हेलो साथियों, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे बायो के कुछ नीट एग्जाम में, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हमारे 2017 नीट एग्जाम में पूछे गए। और ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि कमिंग आने वाले एग्जाम में, हमारे नीट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम रीड करते हैं और उसका आंसर देखते हैं। तो पहला दिया है क्रोमैटोफोर्सेस टेक्स पार्ट इन, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइंट वुड अलाउ नो मूवमेंट। ठीक है, मतलब कौन से ज्वाइंट होते हैं जो मूवमेंट अलाउड नहीं करते हैं, उनको बोलते हैं फाइब्रस ज्वाइंट। ओके, अ जीन शोइंग कॉम्बिनेंस सॉरी कंडोमिनेंस हैज, यहाँ पर हो जाएगा बोथ एलील्स इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस्ड इन द हेट्रोजाइगोट। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या गया दिया गया है, द टर्म लिंकेज वॉज क्वाइंड बाई। ठीक है, तो लिंकेज टर्म किसके द्वारा क्वाइन किया गया था, तो टी एच मॉर्गन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव है सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। देखिए यहाँ चार ऑप्शन हमने नहीं लिखे, ठीक है, तो यहाँ पर होगा द वायराइड वर्ड डिस्कवर्ड बाई डी जे लैनवोस्की। ठीक है, ये गलत था, ठीक है टर्म। आगे द स्पीसीज कन्फिन्ड टू द पार्टिकुलर रीजन एंड नॉट फाउंड एल्सवेयर इन टर्म्ड एज, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडेमिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू डीएनए, तो इसका हो जाएगा सारगैफ रूल। ठीक है, डीएनए के लिए कौन सा, आरएनए के लिए कौन सा एप्लीकेबल नहीं है, तो सारगैफ्स का रूल। क्वेश्चन नंबर एट देख लेते हैं द विंग्स ऑफ बर्ड एंड विंग्स ऑफ एंड इंसेक्ट आर, तो इसका आंसर हो जाएगा एनालॉगस स्ट्रक्चर एंड रिप्रेजेंट कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर नाइन दिया गया है गोल्डन राइस इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट वेयर द इनकॉर्पोरेटेड जीन इज मीन्ट फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो होगा हमारा विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ ब्रीडिंग इज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी ऑफ एनिमल्स हस्बेंड्री, तो बिकॉज इट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन यूजफुल इन ओवरकमिंग इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हारमोन्सेस थ्रू सिंथेसाइज एल्सवेयर इज स्टोर्ड एंड रिलीज बाय द मास्टर ग्लैंड, तो यहाँ पर आ जाता है एंटी डाई यूरेटिक हारमोन्सेस। ठीक है, सेल वॉल इज अब्सेंट इन, तो सेल वॉल किसमें अब्सेंट होती है, ये हो जाएगा एस्परजिलस। ठीक है, तो ये 2017 के हमारे नीट एग्जाम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आने वाले एग्जाम यानी जो भी हमारा नीट एग्जाम अभी एक महीने बाद या 15 दिन के बाद जो आने वाला है उसमें ये क्वेश्चन 100% इससे एक या दो क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है,